हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कारगी ब्लॉग्स वंडर बॉक्स। और उम्मीद है आप लोगों को हमारा चैल वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए और ऊपर भी लिंक आ जाएगा आपके पास, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। सुबह सुबह व्लॉग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली मिलता है, आपको व्लॉगिंग करने में दिक्कत नहीं आती है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि नॉइज़ की इशू नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने आज सुबह सुबह ही सोचा कि व्लॉगिंग शुरू करते हैं और एक पर्सन से भी मिलाते हैं, क्योंकि जब भीड़ होती है तो किसी से बात करना, रेस्टोरेंट वालों से बात करना, जो भी वहाँ के लोग होते हैं उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। और आज जिनसे मुझे मिलाना था वो मेरे पुराने दोस्त भी हैं जिन्होंने ये रेस्टोरेंट आज से एक दो साल पहले शुरू किया। उससे पहले वो और मैं एक साथ एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उनको भी एक घुमारा है कि अपना बिज़नेस शुरू करना है। उससे पहले मुझे भी घुमारा है कि मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना है। तो हमने अपना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, हमने स्ट्रगल किया और काम को आगे बढ़ाया, और आज हम भी एक अच्छा, हम दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार आपको रेस्टोरेंट का टूर कराता हूँ। और आज खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको कोई यूनिक खाना बताने नहीं आया हूँ कि आज यहाँ पर कुछ एक यूनिक खाना मिलता है या फिर कुछ मिलता है। यहाँ खाना वही है जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलता है, नॉर्थ इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, लेकिन जो खाने का स्वाद है और उसको खिलाने का जो तरीका है, जिस प्यार से उसको खिलाया जाता है, और जो यहाँ के ऑनर हैं, दो भाई हैं, एक विजय जी हैं जो मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं, और उनके भाई दोनों मिलकर जो है उन्होंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। और उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने के बाद उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी उन्होंने इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाया, आज एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट ये बन के उभरा है। तो एक बार उनसे भी मिलेंगे, थोड़ी सी बातें भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाना भी खाएंगे, और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू। रेस्टोरेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया है, साथ में मेरे पास ये मेन्यू भी आ गया है। ये मेन्यू पूरे वुड में बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और इसके अंदर ये मेन्यू पूरा है। इसमें आपको काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है, मैं आपको सब कुछ तो पढ़ के बता नहीं सकता। यहाँ पे शेक्स भी अवेलेबल हैं, कोल्ड बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस, मॉकटेल्स, और कुछ कुछ बार सैलेड, सूप्स, मेन कोर्स है, पूरा वेज रेस्टोरेंट है, तो आपको सब कुछ वेज ही मिलेगा यहाँ पे। इंडियन ब्रेड्स, पास्ता, साउथ इंडियन, दिल्ली दरबार, सोया चाप वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के हिसाब से जो मेरे को लगा कि मुझे मंगवाना चाहिए वो है कि छोले भटूरे, क्योंकि मैंने सुना है छोले भटूरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट के हिसाब से बहुत ही फेमस है, लोग आते हैं और छोले भटूरे इंजॉय करते हैं। तो पहले छोले भटूरे खाएंगे, और यहाँ पे एक शेक बहुत फेमस है जिसका नाम है पान शेक। तो पान के फ्लेवर में जो है ये शेक है, तो डेफिनेटली मैं इसको भी ट्राई करूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको विजय जी से भी मिलाऊँगा और उनसे पूछूंगा, उनसे भी बात करेंगे और थोड़े गप्पे मारेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और इसी तरह से एंजॉय करेंगे। चलिए चलते हैं।
फाइनली मेरे छोले भटूरे आ गए हैं और फोटो सेशन के चक्कर में भटूरों की हवा बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और साथ ही साथ मेरा जो पान शेक है वो भी तैयार हो रहा है, ऑन प्रोसेस है, तो वो भी जैसे जैसे आएगा तो जिससे पहले कि बिल्कुल ही ठंडा हो जाए छोले भटूरे, उससे पहले मैं छोले भटूरे शुरू कर लेता हूँ। और छोले भटूरे दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जैसे कि मैंने उनको बनते हुए देखा तो वेरी नीट एंड क्लीन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, कहीं भी गंदगी नहीं है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है रेस्टोरेंट में भीड़ शुरू हो जाती है, और रेस्टोरेंट में भीड़ शुरू हो गई है, और साथ ही साथ विजय भी जो हैं थोड़े थोड़े बिजी होना शुरू हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 मिनट के लिए उनको लाऊँ। मेरा मन तो था उनसे लंबी डिटेल में बात करने का, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भीड़ हो जाती है, तो हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस तरह से, और किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। तो जाने से पहले या फिर अभी जैसे भी वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो मैं उनसे मिलाता हूँ आप लोगों को, और उनके बारे में उनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। साथ ही साथ मेरा भटूरे भी आ गए हैं, तो मैं भटूरे जो है पहले टेस्ट करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, और आप लोगों तक मैं यहाँ का टेस्ट भी शेयर करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा पान शेक भी आने वाला है, तो वो भी देखते हैं, उसको भी मैं टेस्ट करता हूँ। पान शेक मैं पहले भी एक बार पी चुका हूँ लेकिन जयपुर में, और बहुत कम रेस्टोरेंट में पान शेक होता है, तो यहाँ पर मैंने देखा पान शेक है तो मुझे लगा कि इसको ऑर्डर करना चाहिए। चलिए चलते हैं। नींबू भी डाल के देख लेते हैं। और ये पान शेक है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और इसकी सबसे अच्छी खूबी मेरे को ये लगी कि इसमें जो है पूरा जो है जो गुलकंद का जो फ्लेवर है वो इसमें डाला हुआ है, और जो है इसके ऊपर आइसक्रीम है पान फ्लेवर का, तो दिखने में भी अच्छा है, स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है। एक बार और लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। गुलकंद और पान का मिक्स है इसमें, तो जो गुलकंद और पान का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके जैसा ही इसको बनाया गया है, तो ये वाकई में बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर आप लोग भी आते हैं यहाँ से तो ये पान शेक ज़रूर लीजिएगा, चाहे आप डिनर में आए, ब्रेकफास्ट में आए, या लंच में आए, कभी भी आए। पूरे मेन्यू के रेट्स तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, वो तो आप लोग जोमेटो या स्विगी से कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने जो चीज़ें खाई हैं, जो कि जो पहली चीज़ खाई थी वो था ये छोले भटूरे और ये पान शेक, तो दोनों की प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ कि छोले भटूरे भी 120 रुपये का है और पान शेक भी 120 रुपये का है। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि अगर आप छोले भटूरे खाते हैं 120 रुपये में तो आपका परफेक्ट ब्रेकफास्ट हो जाता है। पान शेक तो मैंने एडिशनल लिया था, ये आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं, आप लेना चाहें कि नहीं लेना चाहें, वैसे लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। लेकिन अगर आप फिर भी पान शेक नहीं लेना चाहते तो आप छोले भटूरे ट्राई कर सकते हैं जो 120 रुपये का है। इसके अलावा यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट में पाव भाजी भी अवेलेबल है, पाव भाजी मसाला डोसा, सॉरी मसाला डोसा अवेलेबल नहीं है, मसाला डोसा आपको दोपहर के बाद से मिलेगा, लेकिन छोले भटूरे, पूड़ी छोले भी है शायद इनके मेन्यू में, और पाव भाजी और छोले भटूरे, इन दोनों का कंफर्म है मेरे पास कि ये दोनों चीज़ें सुबह के ब्रेकफास्ट में अवेलेबल हैं, अगर आप सुबह के ब्रेकफास्ट में आना चाहें तो। अदरवाइज़ ये रात को 11 बजे तक खुलता है, आप डिनर लंच कभी भी आ सकते हैं और कैसे भी इस यहाँ के खाने को और यहाँ के जायके को इन्जॉय कर सकते हैं। सो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते करते मैंने आप लोगों को बोला था कि विजय जी बड़े बिजी हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है भीड़ बढ़ती जाती है, और भीड़ बढ़ने के साथ साथ जो मैनेजमेंट टीम है वो भी बहुत
बिजी हो जाती है तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता, तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 मिनट के लिए इनको पकड़ के लिए आया। मैं विजय जी के बारे में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ही था कि विजय जी और मैं एक साथ ही एक ही ऑफिस में काम किया करते थे एक ज़माने में, और हम लोगों को एक बार बिजनेस का खुमार पैदा हो गया। तो पैदा होते ही हम लोगों ने अपना अपना बिजनेस शुरू किया, और भगवान की दया से, ऊपर की दया से हम जितना भी हैं हम खुश हैं आज के टाइम में। क्यों सर? बढ़िया शानदार बढ़िया शानदार है। अच्छा, मेरे को थोड़ी बहुत बात आपसे ये पूछनी थी कि रेस्टोरेंट ही क्यों, बिजनेस जैसे मैंने भी शुरू किया है तो मुझसे भी पूछ सकते हो कि भाई आपने जो शुरू किया है वही क्यों? नहीं, अपने वो 96 से ही बाबूजी का यही चल रहा था रेस्टोरेंट। पहले हॉस्टल था जी लड़कियों का, गर्ल्स का, 206 लड़कियां रखी गई हुई। हाँ, मेरे को पता था, जैसे कि बताया था आपने एक बार। हाँ, उसके बाद फिर पीजी किया लड़कों का, उसमें भी अभी 100-150 लड़के रहते हैं जी। और फिर धीरे धीरे बोले कि फूड लाइन में ही है, अपना काम इसी में करना है बस। जी 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 जी, बस। तो आप और आपके भाई बस, आप दोनों मिलकर ही संभालते हो दोनों भाई? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम हो गया इसको खुले हुए? साल, वन ईयर हो गया। ठीक है, मैंने यही बोला था आपको कि 1-2 साल के करीबन हो गए हैं। तो ओवरऑल अब 1 साल में जब शुरू किया था और आज जहाँ खड़े हो, क्या क्या फीलिंग है? फीलिंग तो धीरे धीरे अच्छी होती रहती है, जैसे जैसे कस्टमर कंटिन्यू चलते रहते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिक फीलिंग अच्छी होती रहेगी जैसे जैसे कस्टमर आते रहेंगे। खुश हैं? खुश, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको ये सलाह दी जाती है कि अगर आप लोग अपने काम से खुश नहीं हैं और आप अपने आप को किसी दूसरी जगह में देखते हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाते कि मैं उस काम को कैसे करूं, क्या ना करूं, किस तरह से करूं, क्या पता वो काम सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं कि हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचा करिएगा। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है या फिर आप आज कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन वो आप दिल से नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कुछ और करना चाहता है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, तो आप वही काम करिए जो आपका दिल करता है। आप उस काम को बिल्कुल मत करिए जिसको जो आप मजबूरी में कर रहे हैं। तो इसी के साथ और इसी छोटे से ज्ञान के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस ये वीडियो खाने के साथ साथ ये भी बताना था कि अपने लक्ष्य को और अपनी टारगेट को कैसे अचीव किया जा सकता है और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इसी छोटे से संदेश के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस मैसेज को भी फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।